तो अभी नगर निगम की गाड़ी की वेट कर रहा हूँ जो उज्जैन दर्शन करवाएगी हमें 100 रुपये, मात्र 100 रुपये में। तो उसी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक फ्रेंड मिल गए, मतलब यही के फ्रेंड बन गए नए, तो उन्होंने बताया कि बस पंचर हो गई है, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तकरीबन एक 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद बस आएगी, फिर हमारी जो उज्जैन की दर्शन है वो हो जाएंगे। तो कुछ 6 पॉइंट्स है वो हमको दर्शन में बताएंगे। तो अभी जैसे हम बस में प्रवेश करेंगे, इस वीडियो के साथ में पहला पॉइंट ऐड कर दूँगा। मात्र 100 रुपये में संपूर्ण दर्शन, उज्जैन दर्शन, उज्जैन दर्शन, चलिए उज्जैन दर्शन, चलिए उज्जैन दर्शन, मात्र 100 रुपये में संपूर्ण दर्शन, उज्जैन दर्शन, उज्जैन दर्शन, चलिए उज्जैन दर्शन। बुकिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फोन करके सोलापुर महाराष्ट्र। क्या बात, नमस्कार सर, जय महाकाल। आज कितने टाइम लगेगा सर जी घूमने के लिए हमको? ये आपको 12:30 बजे निकलेगा, 5 बजे वापस आएंगे, यही पे आएगा। मंदिर सारी की गाड़ी है, ओके, जो संपूर्ण दर्शन कराती है। क्या बात है ना, गाइड साथ में था, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। अच्छा, मात्र 100 रुपये का टिकट है इसमें, ओके, मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित है। बहुत मस्त है सर ये सुविधा, दो व्यक्ति रहते हैं, गाइड देता है और एक ड्राइवर रहता है। यस सर, सभी मंदिरों में अच्छे से जानकारी दी जाती है। अच्छा, बाकी मंदिरों में दर्शन ये पूरे 12 पॉइंट दिखाती है, संपूर्ण 12 पॉइंट दूर दूर के दर्शन कराती है और अच्छे से व्यवहार करती है दर्शनार्थियों से। यस सर, है ना, जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर, नमस्कार सर जी। तो सर ने मेरे को रुकाए थे, बोले बस इधर रुकेगी, बोल के ये महाराष्ट्र के आए हुए हैं अपने उज्जैन दर्शन करके पवित्र हो जाएंगे। जय महाकाल। चलिए सर, अभी बस में बैठ लेता हूँ। चलिए अभी बस में सफर करते हैं, बस आ चुकी है। अभी ये जो टिकट है 90 रुपीस का, 10 रुपीस साइड के चार्जेस। तो अभी 12:30 बजे जैसे बस भर जाएगी तो निकलेंगे हम अपने सफ़र पे। उज्जैन दर्शन इस बस का नाम है, मंदिर समिति की तरफ से ही ये बस चलती है। तो मैंने ले लिया है अपना और को ड्राइवर वाला सीट, ड्राइवर सर यहाँ पर बैठेंगे और मैं ठीक उन्हीं के बाजू में बैठूँगा यहाँ पर, और यहाँ से शूट करूँगा। तो यहाँ पर बाइक का सर्विसेज भी है, गाइड सर्विस पर बात करेंगे। तो अभी हम उज्जैन के इस इलाके में यहाँ से सीधा द्वार नंबर 4 और 5 आ जाएगा, तो यहीं से बस लगेगी। यहाँ पर ये एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी रुकती है, वहाँ पर ही इस बस का स्टॉप है। तो चलिए उज्जैन घूमते हैं। टिक्के लगा रही है और हमारे ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं, उज्जैन दर्शन का स्टार्टर लग जाएगा। कत्ता बनाओ, ये जो लोगो शेयर दिख रहा है तो यही बस लगती है।
और ये यहाँ 4 और 5 नंबर द्वार के लिए जाएगी। यहाँ पर आपको हाथी भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर दिख जाएगा हाथी। तो आज संडे रहने की वजह से ज़्यादा भीड़ है और साथ में 3 छुट्टियाँ आ गई इसीलिए भीड़ है, सैटरडे संडे मंडे। अगर इस रोड से आप राइट साइड को जाओगी तो श्री राम घाट मिल जाएगा। क्या लगता है बस जाएगा इसमें से? बैरिकेड लगे हुए, शायद निकालना पड़ेगा। अरे हमारे गाइड साहब ही आ गए, बैरिकेड हटाने के लिए। तो रामघाट के लिए जा सकते हो आप, यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स भी की गई है देख सकते हो। तो 10 से 15 मिनट का समय रहेगा, उसके अंदर दर्शन करेंगे, उसके पश्चात वैसे बैठने कृपा करेंगे। खाने पीने का सामान खरीदने में उधर घूमने में समय बर्बाद नहीं करना है, अपना उद्देश्य दर्शन करेंगे और वैसे बैठने कृपा करेंगे ऐसी आपसे विनती है। काल रखो शराब नहीं पिएगा सहयोग करेंगे ऐसी आपसे कामना है। जो काल रख पे रुकना हो वहीं पर रुकइएगा, सामान लेकर हमें कह दीजिएगा, हमें वहाँ उतरना है तो हम छोड़ देंगे आपको। सभी मंदिरों भीड़ रहती है, आपसे विनती है इस समय का ध्यान रखेंगे, शीघ्र वैसे बैठने कृपा करेंगे ऐसी आपसे विनती है। बोले बाबा महाकालेश्वर की, सिद्धि मैया की, चित्रा मैया की, चिंतामन गणपति भगवान की। आप जानकारी से लीजिए, अपने दाहिने तरफ देखिएगा ये चित्रा नदी तट है, इधर ये रामघाट लाल मंदिर क्षेत्र रामघाट कहलाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब यहाँ पर एक तिल अमृत जला गया था, इसलिए 12 वर्ष में एक बार यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। वनवास के समय भगवान राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आए थे, माता शिप्रा की संध्या आरती की थी और भगवान राम ने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था, दशरथ जी को मोक्ष धैर्य मिला था। जब सिंहस्थ महाकुंभ पर्व होता है प्रमुख साधु संन्यासी पहले स्नान करते हैं, बाद में हमारे आपका जैसे पब्लिक का स्नान होता है। जब भगवान विष्णु का तर्जनी उंगली का रक्त धरती गिरा था तो शिप्रा मैया की उत्पत्ति हुई थी। शिप्रा नदी सभी नदियों में एक से ज्यादा बड़ी है, इसलिए 12 वर्ष में एक बार यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ पर्व आयोजित होता है। समुद्र मंथन के समय 4 स्थानों पर अमृत का छलका था, काशी हरिद्वार इलाहाबाद और उज्जैन, ये 4 स्थानों पर सिंहस्थ महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। करोड़ों संख्या में यहाँ पर साधु संन्यासी आते हैं और शाही स्नान करते हैं। बोलो मोक्षदायिनी शिप्रा मैया की जय, और महाकालेश्वर की जय, हरसिद्धि मैया की जय, चिंतामन गणपति भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। टिकट में लिखा हुआ है टाइमिंग का जानना भैया, शीघ्र मंदिर शीघ्र बस में आके बैठने की कृपा करना, ये आपके फायदे के लिए है। क्योंकि अगर आप परेशानी के धिक्का दुक्का लोग जाते थे और लाखों की संख्या में पब्लिक वहाँ पर रहती है तो वहाँ पर दर्शन कराने में घंटे लग जाते, तो आपको ये समय आपको वहाँ खत्म करा जाएगा। आपसे विनती है ये कि आप कोशिश करना सभी लोगों से एक दूसरे का बंधु समझते हुए शीघ्र बस में आने की कृपा करना। अगर शीघ्र बस में सभी लोग आ जाओगे तो हम आपको उतने दर्शन करा पाएंगे। अगर कुछ लोग टाइम पर कॉल नहीं करेंगे और यूट्यूब पे कैप्चर कर रहे हैं ताकि सबको बता सके, तो आप भी ध्यान रखिए हर मंदिर पे आप मतलब समय का ध्यान रखिए और शीघ्र बस में आने की कृपा करिए, जल्दी दर्शन से जल्दी आ जाइए, क्योंकि फिर आपको ये समय अन्य मंदिरों को दिया जाएगा। गुरुद्वारा सिख समाज का गुरुद्वारा, गुरु नानक साहब गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा इसलिए बना हुआ है क्योंकि ऐसा ही लोग कहते हैं सिख साहब, सिख के लोग, सिख धर्म के लोग, यहाँ पर गुरु नानक साहब का भी आए थे, यहाँ पर गुरु नानक साहब जो है इस नदी के तट पर कभी आए हुए थे और कोई इमली का पेड़ लगाया था उन्होंने, तो बोलो वो गुरु नानक साहब ने इमली का पेड़ लगाया था तो वो इमली के पेड़ तो फल जो आज भी मीठे में मीठे है, इमली आमतौर पर खट्टी रहती है परंतु गुरु नानक साहब ने जो वो पेड़ लगाया था ना उसके इमली के पेड़ आज भी मीठे, गुरु नानक साहब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, कार्तिक मेला, ये कार्तिक मेला ग्राउंड देखिए, कार्तिक मेला महीने डेढ़ महीने का चलता है, यहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, कार्तिक मेला का आयोजन होता है यहाँ पर, ये जन्म कार्तिक मेला है पूरा यहाँ पर लगा हुआ है।
ये कार्तिक मेला ग्राउंड है, संध्या काली समय में कार्तिक मेला लगता है, झूले वगैरह लगते हैं, देखिए कार्तिक मेला लगता है। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मेला है कार्तिक मेला, मेयर साहब का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर कार्तिक मेले के अंदर। मंथन का समय चार स्थानों पर अमृत कथल का था, जिसमें से नासिक हरिद्वार लाहौर उज्जैन, तो उज्जैन में ये सिंहस्थ कुंभ पर्व का आयोजन होता है। सिंहस्थ कुंभ पर्व इसलिए आयोजन किया जाता है क्योंकि उसमें बृहस्पति सिंह राशि में रहता है, इसलिए वो सिंहस्थ पर्व होता है। अन्यत्र स्थानों पर जो है वो सूर्य रहता है, कुंभ राशि में रहता है, वहाँ पर कुंभ लगता है। ओके, अब जानकारी सुन लीजिए, अपने बाएं तरफ देखिए इसी पर नहीं तट है, ये चबूतरे बने हुए देख रहे हैं, ये उज्जैन का शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। बाबा महाकालेश्वर को चिता भस्म यहीं से आती थी, अब कृत्रिम रूप से महाकालेश्वर मंदिर तैयार किया जाती है कलकत्ता काली घाट पर, बनारस से मणिकर्णिका घाट पर और उज्जैन के छिपरा घाट पर, जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर घिष्टानों का यहाँ पर अंतिम संस्कार वासुदेव कृष्ण ने किया था वृत्रोसन चक्र रखकर, इसलिए संध्या का शमशान घाट कहते हैं, इसको चक्रधित कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र से ढूंढी गई थी। और जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार तट पर होता है उसे जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि भगवान शंकर शमशान पर आया है, भगवान शंकर यहाँ पर विराजित है और यहाँ पर भक्ति लपेटते हैं। बाबा गोरखनाथ जी से संन्यास लेने का आदेश हुआ, बाबा गोरखनाथ जी से संन्यास लेने का आदेश के पश्चात भर्तरी तपस्या करने के लिए गुफा के अंदर आ गए। जब भर्तरी ने कठोर तपस्या की तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र को लगा कि भर्तरी उसके नगरी के राजा कहीं मेरा राजपाट न छीन ले, इसलिए इंद्र जी ने उन्हें गुफा में मारने की कोशिश की, गुफा बसाने की कोशिश की, परंतु भर्तरी इतने तपस्वी थे कि वज्र से लगे प्रहार को बाएं हाथ से रोकने के पश्चात, 12 वर्ष कठोर तपस्या पूर्ण करने के पश्चात भगवान विष्णु भगवान कृष्ण दर्शन दिए। उसके पास में गोपूचन गुफा है, लीला देवी पुत्र हैं, भर्तरी भाग्य हैं, गोपूचन शिव भक्त थे और बंगाल के राजा थे, उन कठोर तपस्या पूर्ण करने पश्चात भगवान शिव दर्शन दिए थे। भर्तरी गुफा है, गोपूचन गुफा है, उनके गुरु गोरखनाथ समाधि है, दर्शन करिएगा, बस पर कृपा करिएगा, व्यवस्था बना रखिएगा, ऐसी आपसे कामना है। अभी चल रहे भर्तरी गुफा, गोपूचंद गुफा, गोरखनाथ समाधि। बोलो भर्तरी महाराज की, गोपीचंद महाराज की, वीर मच्छंद्र नाथ की, गुरु गोरखनाथ की, गुरुजनों की, बाबा महाकालेश्वर की। समय का ध्यान रखिएगा, गाड़ी 3 बार ढूंढ देगी और समय पर आ जाएगा तो गाड़ी थोड़ी चल जाएगी। जय श्री महाकाल।